माननीय सभापति महोदय, माननीय विधानसभा के उपनेता और अन्य सदस्य ने जो विचार रखे अपने अपने हिसाब से सही रखे, मैं उनका सम्मान करती हूँ सभी का। ये विधेयक भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार संशोधन लाया गया है और ये एक ऐसा संशोधन है सम्माननीय सभापति महोदय, जिसका कि माननीय सदस्यों ने कहा, विपक्ष के साथियों ने, कि इसकी क्या जरूरत थी। एक ने तो यही कह दिया कि हम इसका विरोध करते हैं। सभापति महोदय, इस संशोधन से पहले गूंगे, बहरे और कुष्ठ रोगी मंदिर बोर्ड में सदस्य नहीं बन सकते थे। उनके मन में एक कुंठा पैदा होती थी, एक निराशा पैदा होती थी सभापति महोदय, कि हम क्यों नहीं ऐसे धार्मिक बोर्ड के अंदर सदस्य नहीं बन सकते। तो आज ये विधेयक जो पारित हो रहा है, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए, उनको सम्मान देते हुए, उनकी जो हीन भावना थी उसको समाप्त करने का काम करेगा सभापति महोदय। अब वो अध्यक्ष बन सकता है, सदस्य बन सकते हैं। सभापति महोदय, मुझे भी खुशी है कि वो अब धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा ले सकेंगे और धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा लेने के बाद, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है और उसको ये कह दिया जाता है कि आप कुष्ठ रोगी हो या आप गूंगे बहरे हो, आपको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, तो ये एक धर्म से जुड़ा हुआ, ईश्वर से जुड़ा हुआ एक ईश्वरत्व की भावना को दर्शाता है कि क्या मैं भगवान के बोर्ड में भी नहीं बन सकता। उसको साकार करने का काम ये विधेयक करेगा। ऐसे ये दो ही मंदिर हैं, श्रीनाथ जी नाथद्वारा राजसमंद और सांवलिया जी मंदिर चित्तौड़गढ़ राजस्थान। इनके विशेष मंडल बने हुए नाथद्वारा के, जिसमें राजस्थान के और अन्य राज्यों के भी सदस्य मनोनीत होते हैं। सभापति महोदय, सेठ सांवलिया जी के अधिनियम 1962 के तहत प्रदत्त शक्तियों में मंडल अध्यक्ष के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। सभापति महोदय, जो विचार रखे कि बजट घोषणा में भी अलग से सुविधा दी जानी चाहिए दिव्यांगों को और कुष्ठ रोगियों के लिए पेंशन, सभापति महोदय, क्या आज से पहले इनके दिल में ये दर्द नहीं था? क्या उनके हित की बात नहीं सोची थी? ये 2500 रुपए पेंशन करने का काम भी किया तो राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने किया, कांग्रेस की सरकार ने किया, आपने तो एक भी नहीं किया। इनके साथ साथ मुख्यमंत्री महोदय ने तो बोना पेंशन भी की। जितनी भी पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, बोना पेंशन है, एकल पेंशन है, अगर गिनना चालू करेंगे जनहित के काम किए तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किए। अगर ज्यादा ही हितेशी हैं, माननीय उपनेता महोदय ने कहा कि 10,000 पेंशन कर दी जाए। आपको सियाराम करने में क्या दिक्कत है? रामचरितमानस में लिखा हुआ है, सियाराम मैं सब जग जानी,
करूं प्रणाम जोरी जुगबानी। अभी ये भी इनको मैं बता दूंगी थोड़ा सा, मतलब सिया राम राधे श्याम उमा महेश्वर। मैं बताऊंगी, थोड़ा रुको, सुनने का दम रखो, मैं इसका भी बताऊंगी आपको। मंत्री जी अब अपना जवाब दे दे, आप गुस्सा क्यों होते हो? अभी मैंने आपको सुना, आप हिंदू हिंदुत्व के बताओ, हिंदू की क्या परिभाषा है? अरे बैठो ना, हाँ बोलो, बोलो अभी सदन में बोलो, बताओ हिंदू किसे कहते हैं? भूमि पुण्य भूमि माने, वह सच्चा हिंदू है। नहीं नहीं चलो कहीं बात, आपको कोई किताब ला के भी देख लो, ग्रंथ ला के देख लो, अभ्यास कर लेंगे। पहले ये बिल पास, क्या करूं भूमि, ये परिभाषा नहीं है, प्लीज ये परिभाषा गलत है। सभापति महोदय, मंत्री जी, आपको ही नहीं पता, आप केवल पंडिताई के दो चार लोग जानते हो। मेरे को सब पता है, जिसका शास्त्र में विश्वास है और जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है और जो गोवा पूजे गए वो हिंदू है। कर्पाती जी महाराज धर्म सम्राट थे, उन्होंने बताया था आपको। कर्म भूमि, धर्म भूमि, धर्म भूमि, क्या धर्म क्या है, धर्म की क्या परिभाषा है, प्लीज, क्या जीवन शैली, मंत्री महोदय, जीवन से प्लीज, जीवन शैली सबकी अलग अलग है। मंत्री जी क्या जीवन शैली पता नहीं है आपको? प्लीज प्लीज को कंक्लूड कर दे प्लीज, बिराज आप उसको थोड़ा गंभीरता से ले, बिल पर डिस्कशन हो रहा है। प्लीज बिराज आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, सुन लो थोड़ा सा, यहाँ हिंदू धर्म पे डिस्कशन हो रहा है, माने सदस्य हिंदू धर्म पे डिस्कशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे बिल पर डिस्कशन हो रहा है, उनको जवाब देने दे अपना प्लीज। आप पुनर्जन्म में क्या बनना चाहते हो ये सदन को? मैं आप लोगों के लिए अलग से समय निर्धारित करूंगा। आप क्या बनना चाहते हो? पुनः मूषक भव सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुज। मैं मोक्ष चाहता हूँ माननीय मंत्री महोदय, प्लीज। सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय, सदन को गंभीरता से ले, बिल पे डिस्कशन हो रहा है, उसको पास करना है। अब आप जो है हिंदू धर्म की व्याख्या करने लगे दूसरे बैठ करके, आप सभी विद्वान हैं, आपकी विद्वता पे किसी को शक नहीं है, क्योंकि 7.5 करोड़ जनता ने आपको यहाँ पे भेजा, तो आपकी विद्वता को देख के तो भेजा है। अब आप अपनी विद्वता के बारे में बखान करके बेवजह उजागर और हो जाओगे। ये बंद मुट्ठी जो है ना, ये सबसे अच्छी है, खोलते ही पता लग जाएगा कि कौन कितना। इतनी अपनी विद्वता को जितना आप रख सकते हैं उतना रखो। आप लोगों को मान लिया विद्वान और आपको भेज दिया यहाँ पे। सम्माननीय सभापति महोदय, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी की वजह से लाए आप, इन्होंने शायद पढ़ा नहीं है, ये उच्चतम न्यायालय की वजह से आया। उनकी भावना तो प्यार प्रेम सबको एक साथ रखने की है, असत्य कोई वादा करने की नहीं है। आपने जो कहा कि ये इसमें लाने चाहिए, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री महोदय हर प्राणी में हर जीव में ईश्वरत्व को महसूस करते हैं। सेवा ही मेरा धर्म है, उस बात को सार्थक करते हैं। सभापति महोदय, अगर उस बात का मैं उदाहरण दूं तो चिरंजीवी योजना से जिस तरीके से इंसान की सेवा, मैं ईश्वरत्व की बात कर रही हूं, अब उछल रहे, सुनो थोड़ा बहुत तो सुन लो कम से कम। जब आदमी की आंख में आंसू आता है तो उसे या तो ईश्वर पहुंचता है या कांग्रेस पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहुंचने का काम किया, चिरंजीवी योजना ला करके गौ माता की लंपी में मुआवजा बढ़ा कर दे। ईश्वर आ गए, मुख्यमंत्री जिसमें ईश्वर है, मुख्यमंत्री जी को ईश्वर की, मैं ईश्वर की बात कर रही हूँ, मुख्यमंत्री ईश्वर है, तुम्हारे मुख्यमंत्री ईश्वरत्व की बात कर रही हूँ, ईश्वर के साथ तुलना कर रहे हो, कैसे हो सकता है ये बताओ, ईश्वर के साथ तुलना कर रहे हो, मुख्यमंत्री ईश्वर से उतारे, मुख्यमंत्री ईश्वर से तुलना की है, ईश्वर से तुलना की है, ने कहा या तो ईश्वर करता है या कांग्रेस पार्टी की सरकार करती है। मंत्री जी बिराज एक मिनट, मुख्यमंत्री ईश्वर नहीं हो सकते, एक बिराज डिलीट कराओ आसन पैरों पर, क्या डिलीट करो, प्लीज प्लीज सेव करें बिराज जी, आप प्लीज प्लीज बिराज जी, मुझे पता है आज प्राइवेट बिल डे है, आप सभी लोग जो है जिस तरह की भावना से यहाँ आप पधारे हैं, इस भावना से मैं भी अवगत हूँ, लेकिन मेरा विनम्र निवेदन ये है कि जो बिजनेस है उसको तो पूरा करो, बिजनेस पूरा नहीं करेंगे यूँ ही 5 बजा नहीं है तो ओपन डिस्कस करा देते हैं, आप दोनों हिंदू व्याख्या करते रहो बैठ करके। जिन लोगों की वजह से बिल आया है
वो आपसे ये अपेक्षा करते हैं, दिव्यांगजन और कुष्ठ रोगी आपसे ये अपेक्षा कर रहे थे कि गंभीर चर्चा करके आप इस बिल को आज पास करेंगे। अब आप लोगों ने तो उस सब्जेक्ट को तो छोड़ दिया और कहाँ के कहाँ पहुँच गए। बोलने दें उन्हें, बोलने दें, इतनी पीड़ा किस बात की आपको। एक माननीय महिला जो है मंत्री महोदया, यदि कोई अपनी बात रखना चाह रही है तो कितनी क्या पीड़ा है आपको, कोई कांटे आपके कांटे फेंक रही है आपकी तरफ। प्लीज आप भी विषय पे नहीं बोले, मैं सुन रहा था। प्लीज गंभीरता बरते हैं, इस बिजनेस को पूरा होने दें। माननीय मंत्री महोदय आप कंक्लूड करें। दो मिनट सभापति महोदय, सभापति महोदय दो मिनट मेरी, मैं ये बता दूं क्या क्या किया है देवस्थान विभाग ने। थर्ड पे इसके बाद थर्ड वाले पे एक, अब राम की और कृष्ण जी की बात कर लूं सभापति महोदय, मेरा मुद्दा तो वही है। श्रीनाथ जी सभापति महोदय, इनके डर से क्या कंक्लूड करने का नहीं, थोड़ा सा बोलने का मौका दें। ये तो ऐसे ही डिस्टर्ब करते रहे, पिछली बार भी करते थे। बिल पास कराना आपकी जिम्मेदारी है, बिल पास कराइए। दो मिनट थोड़ी सी देर, आज उन पे कटारिया जी का अंकुश नहीं है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। सभापति महोदय राम की बात करते हैं सभापति महोदय, राम के लिए तो मैं दो लाइन बोल सकती हूँ सभापति महोदय। जाकी रही भावना जैसी, मूर्ति देखी तीन तैसी। तो इनकी भावना किस तरीके की, ये कहते हैं श्री राम, हम सीता जी का नाम लेते हैं तो इनको थोड़ा सा यूं कह देते हैं सीता जी नहीं श्री राम कहिए। अरे श्री राम का यज्ञ भी अधूरा रहा था, उन्होंने भी मूर्ति बिठाई थी सीता जी की। तो सिया राम राधा कृष्ण हो, पार्वती बिना कहना शिव अधूरे, राधा बिना कृष्ण अधूरे, छाया बिना धूप अधूरी, बिना विष्णु के लक्ष्मी के विष्णु अधूरे। तो सभापति महोदय अब थोड़ा सा बता देती हूँ मैं इनको थोड़ा सा। सभापति महोदय इन्होंने जो पूछा है देवस्थान विभाग के मंदिर, देवस्थान विभाग हमारी संस्कृति, हमारा जो भक्ति ईश्वर में आस्था, उसको संरक्षण और संवर्धन करने का काम करता है देवस्थान विभाग। हमारा राजस्थान राज्य देवी और देवताओं का, ऋषि और मुनियों का पावन और पवित्र भूमि हमारे राजस्थान की है। कण कण में ईश्वर विराजमान है, इस बात को राजस्थान की धरा साकार करती है। थोड़ी थोड़ी दूरी पे जो धार्मिक हमारे बड़े बड़े मंदिर बने हुए, मठ बने हुए, राजस्थानी कला संस्कृति संस्कार धर्म एकता और प्रेम को बढ़ाने का काम करते हैं, ये हमारा विभाग काम करता है। चाहे गीत हो, भजन हो, सत्संग हो, जागरण हो, जब भी कहीं कोई उत्सव होता है, चाहे श्याम जी के हो, सेठ सांवलिया के हो, श्रीनाथ जी के हो, सभापति महोदय गीत और भजन श्रृंगार भी अलग अलग रीति और रिवाज से किया जाता है। ये हमारी संस्कृति को बचाने का, हमारी भावनाओं को बचाने का काम करता है सभापति महोदय। प्राचीन काल से ही चली आ रही इन परंपराओं को हम पूरा करने का काम कर रहे हैं, चाहे राम कथा करवाई हो राम मंदिरों में, हनुमान जी के जन्मदिन पे हमने सुंदरकांड करना हो, भागवत कथा करना हो, शास्त्र धारा हो, चाहे द्वादशी व्यंजन द्वादशी का प्रोग्राम हो, और हमने अभी देव दर्शन पद यात्रा भी निकाली जो देवस्थान के मंदिर है उनकी। इस तरीके के अभी पूछा था सभापति महोदय इन्होंने कि आयोजन कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, ये सारी हम आयोजन इस तरीके के करते रहते हैं, लेकिन इनको इससे कोई मतलब नहीं है। और देवस्थान विभाग की तरफ से अस्थि कलश यात्रा जो कोरोना के बाद जब डेथ हुई थी तो बस की व्यवस्था गंगा जी हरिद्वार ले जाने का काम किया, तो वो भी देवस्थान विभाग के द्वारा किया गया सभापति महोदय। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा की हो, ऑनलाइन दर्शन का हो, QR कोड बनाना हो, भारतीय स्टेट बैंक ट्रेजरी शाखा में उदयपुर में खुलवाया गया है हमारा, उसमें एक जो दान करना चाहे व्यक्ति वो भी कर सकता है। और पुजारियों का मानदेय बढ़ाया, तो हमने बढ़ाया, इन्होंने करा क्या सभापति महोदय, चाहे वरिष्ठ नागरिकों को अब हम हवाई जहाज से भी यात्रा करवा रहे हैं। हमारे प्रत्यक्ष और राजकीय सुपुर्दगी रहे प्रत्यक्ष सारे मंदिरों में जो हम व्यवस्था कर सकते हैं सभापति महोदय, माननीय सभी सदस्यों की भावना को ध्यान में रखते हुए हम ये सारे काम करेंगे। और जो ट्रस्ट के लिए कहा कि इनको उससे जोड़ा जाए प्रशासन से, ये इनसे बात करके इनके धर्मगुरुओं से
बात करके, क्योंकि ये धर्म से, भावनाओं से जुड़ा हुआ, मंदिर से जुड़ा हुआ प्रकरण है। इसमें एकदम से सरकारें कोई भी हो, और जिसमें हम तो कभी ले ही नहीं सकते, हमारा ये रिकॉर्ड है हमारी सरकार का, कभी भी किसी तरीके का इस तरीके का निर्णय नहीं लिया कि ईश्वर या धर्मगुरु या मंदिर के खिलाफ जो भी काम किया हमने, मंदिरों के उत्थान के लिए और जीर्णोद्वार का हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, 106 करोड़ से ऊपर का हम कर रहे हैं, प्लीज प्लीज, और आगे भी जो मंदिर है, एक भी नहीं जोड़ा आपका बीजेपी का अध्यक्ष था उसने जोड़ा है, अंकित नहीं होगा, हमने नहीं जोड़ा, आपकी पार्टी का अध्यक्ष था उसने आदेश दे के जोड़ा जी, माननीय मंत्री के अलावा किसी का अंकित नहीं होगा। राज्य के और बाहर के मंदिरों की लिस्ट मंगवा ली हमने सभापति महोदय, और हम उसमें अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ बोलने का काम है, इसके अलावा कोई काम करने का नहीं है। और राजस्थान ही नहीं, पूरे देश को धर्म के नाम पे और भाईचारे को, एकता को, प्यार को, प्रेम को, क्योंकि जब भी कोई मेले लगते हैं उसमें 36 कौम का आदमी आता है, 36 बिरादरी का आदमी हिस्सा लेता है, गले मिलता है, लेकिन ये उसको भुला करके एक एक नारा दे करके बांटने का जो काम करते हैं, अगर करना ही है तो एकता का काम करें। सभापति महोदय धन्यवाद उसके लिए, बोल दूं।